लोकसभा के पांचवें चरण के चुनाव शुरू हो गए हैं। फतेहपुर में भी आज पांचवें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें बूथ के बाहर लग गई हैं। फतेहपुर के जिलाधिकारी ने भी जिले में अपनी पत्नी के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने मताधिकार के उपयोग करने की अपील की। बता दें कि फतेहपुर का पहला मतदाता एक दिव्यांग वोटर बना, जिसके व्हील चेयर को खुद डीएम ने ले जाकर उससे वोट डलवाया। बता दें कि जिलाधिकारी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अपना और अपनी पत्नी का नाम जिले की मतदाता सूची में शामिल करवाए थे, जिससे वो मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दे सके। वहीं फतेहपुर के बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति भी बूथ पर पहुंची और उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट डालने की अपील की। बता दें कि फतेहपुर के चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी हैं और जिले में करीब 18 लाख के आसपास मतदाता हैं। और अगर बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो पूरे जिले में होमगार्ड यूपी पुलिस के साथ ही आईटीबीटी के जवान भी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। वही जब हमने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे युवा मतदाताओं से बात की तो उनका साफ कहना था कि हम रोजगार और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सभी के चेहरे पर काफी खुशी भी देखने को मिल रही थी। आज 6 मई को जो हमारे 49 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और जैसा विदित है माकूल की प्रक्रिया चल रही है और मैं इस बूथ पर खड़ा हूँ जहाँ पर ये माकूल की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसके बाद 7 बजे से जो निर्धारित समय मतदान शुरू होगा। लोकतंत्र का ये महात्यौहार है, इसकी तैयारियां बहुत पहले से की जा रही थी। कानून व्यवस्था से लेकर मतदाताओं की पर्ची पहुंचाना और उसके बाद जो है सभी के स्वीप कार्यक्रम के द्वारा जागरूक करना, शिक्षित करना वोट के बारे में, मताधिकार के बारे में, तो ये सभी तैयारियाँ हमारी पूर्ण हैं। और मतदाताओं से अपील है कि स्वतंत्र निष्पक्ष होकर अपने विवेक के अनुसार मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महात्यौहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इसको सफल भी बनाएं। जिले का पहला मतदाता कौन है? जो वोट करेगा हर बूथ पे, जो प्रथम मतदाता खड़े हैं, इसी सरकार चाहते हैं, अच्छी सरकार होनी चाहिए जो हम लोगों को ध्यान दे। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, थैंक यू। मतदान शुरू हुआ है, क्या उम्मीद करती हैं, कितना मतदान? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार उत्साह लोगों के अंदर दिखाई पड़ रहा है। यह 19 का लोकतंत्र के मंदिर का एक महायज्ञ है जिसके लिए मतदाता निकल रहा है। मैं और मतदाताओं से अनुरोध करूंगी, निकलें, अधिक से अधिक मतदान करें, क्योंकि यही दिन होता है जब अपने मत का प्रयोग करने का स्वतंत्र रूप से मतदाता प्रयोग करता है। प्रजातंत्र के इस भारत के प्रजातांत्रिक देश में आज का ही दिन मतदाता स्वतंत्र होता है, उपयोग करता अपने मतदान का देश के निर्माण के लिए, देश के भविष्य के लिए। मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ, निकलें अधिक से अधिक और मतदान करें। क्या करती हैं आप? किन मुद्दों को लेकर आपके कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पर आप वोट करेंगे? तो हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।